बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 9th या 10th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि जिनका 9th में अभी नामांकन हुआ, या जो विद्यार्थी 10वीं में है अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में सम्मिलित होंगे, तो आप सभी के भी मासिक परीक्षा का रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 12वीं का परीक्षा अगर आपके विद्यालय में प्लस टू तक होगा, मतलब 10+2 होगा, इंटर की पढ़ाई होता होगा, तो 12वीं का मासिक परीक्षा हो रहा था, बट 9th और 10th के मासिक परीक्षा का कोई भी डेट नहीं आया था। तो फाइनल यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से देखिए बताया जा रहा है कि माह मई 2024 में 9वीं और 10वीं के कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना, अर्थात कि मई से ही इस मंथ में ही आपका भी 9th और 10th का भी मासिक परीक्षा होगा, और अब शुरू हो गया तो हर एक मंथ में आपका एग्जाम होगा। आगे मैं आपको रूटीन बताऊंगा पूरा, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। उससे पहले दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ लेना है। अगर आप 9th 10th के विद्यार्थी हैं तो हर मंथ अब आपको एग्जाम देना होगा। पहला ये आपको क्लियर समझिए कि आपका मई में हो रहा है, जून जुलाई हर एक मंथ में चलेगा, जब तक कि अगर 10th के परीक्षार्थियों का सेंटअप एग्जाम नहीं हो जाता और 9th के परीक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा नहीं होता, तब तक आपको ये एग्जाम कंटिन्यूअस हर एक मंथ होगा, किसी भी मंथ में मतलब कि गैप नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने जाना है। आप भले स्कूल कॉलेज ऐसे तो 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है, बट उसमें मान लीजिए आप कुछ लापरवाही भी करते तब भी काम चल जाता है, बट ये जो हर एक मंथ एग्जाम होगा इसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नामों काटने वगैरह का जो स्कूल में से आता है कि नामांकन कट जाएगा, रद्द हो जाएगा, वो सब नहीं होगा अगर आप मंथली एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तो। और अगला आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह, तो इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है। हाँ, प्रश्न पत्र जो है वो बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है और 50 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक, और उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि ये जो इसका प्रश्न पत्र वगैरह है ये तो भले ही बिहार बोर्ड सेट करके भेजेगा, बट इसका कॉपी वगैरह आपके स्कूल के स्तर पर जाँच होगा और रिजल्ट वगैरह स्कूल के स्तर पर ही जारी किया जाएगा। सिलेबस तो जितना भी आपका मतलब कि मई तक पढ़ाई हुआ है आपके स्कूल कॉलेज में उतना ही से प्रश्न आता है। जैसे ऐसे मैं मोटा मोटी आपको बता दूं तो इसलिए से तो कोई डिटेल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, बट शुरुआती हर एक विषय में 1 से 2 चैप्टर से प्रश्न रहेगा। ठीक है, जैसे हिंदी आप 10th का मैं उदाहरण दूं या 9th का परीक्षार्थी है तो 2 चैप्टर का रिविजन कर लेंगे, फर्स्ट हिंदी से और सेकेंड हिंदी से, और फिर 2 चैप्टर हिंदी व्याकरण से। मैथ 1 से 2 चैप्टर से प्रश्न, इसी तरह शुरुआती 1 से 2 चैप्टर का ही ये टेस्ट होता है क्योंकि हर एक मंथ आपका एग्जाम होगा। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण बात था। चलिए अब समझते हैं एग्जाम कब से कब तक चलेगा। यहाँ पे 9वीं और 10वीं दोनों का यहाँ पे रूटीन है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको प्रथम पाली की परीक्षा ये 6:30 से शुरू होकर 8 बजे तक चलेगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 8:30 से 10 बजे तक, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर होता है और 1.5 घंटा का ही एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है, तो आपने समझ लिया कि 2 पाली में एग्जाम होगा, 9th और 10th दोनों का यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि 9वीं और 10वीं दोनों क्लास का ये रूटीन है। और प्रथम पाली की परीक्षा 6:30 से 8 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 8:30 से 10 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चलता है। एग्जाम की शुरुआत 27 से 27:05 से स्कूल जब आपका खुलेगा सोमवार के दिन, उस दिन से आपका एग्जाम होगा। प्रथम दिन आपका प्रथम पाली में मातृभाषा मतलब कि हिंदी का एग्जाम होगा, 9th और 10th दोनों का, जो भी विद्यार्थी हिंदी उर्दू जो भी आपका मैथिली वगैरह सब्जेक्ट होगा उसका एग्जाम होगा। और सेकंड पाली में 27 के दिन ही द्वितीय भारतीय भाषा मतलब SIL संस्कृत नॉन हिंदी वगैरह विषय की परीक्षा होगा। 28 के दिन प्रथम पाली में आपका मंगलवार के दिन प्रथम पाली में विज्ञान विषय की साइंस विषय की परीक्षा होगा, 9th और 10th दोनों के परीक्षार्थियों का। और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस 9th और 10th दोनों क्लास का ये रूटीन है। 29 के दिन प्रथम पाली में मैथ अर्थात की गणित की परीक्षा होगा और द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगा। तो यहाँ पर आपने रूटीन क्लियर समझा कि 27 से परीक्षा शुरू हो रहा है, 27 के दिन प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में हिंदी और संस्कृत की परीक्षा होगा आपके 9th और 10th दोनों क्लास का, 28 के दिन प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अर्थात कि साइंस और सोशल साइंस का परीक्षा होगा 9th और 10th दोनों क्लास का। 30 के दिन प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में इंग्लिश विषय की परीक्षा के साथ आपका एग्जाम जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये है 9th और 10th के आपके जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका रूटीन मंथली एग्जाम का। ये अगर रूटीन अगर आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो AIcareerPoint सर्च कीजिएगा, और AIcareerPoint.com वेबसाइट का अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो 10th क्लास में जाकर, और 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th क्लास सेक्शन में जाकर अपना रूटीन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। इस अपडेट में इतना ही था, आपका भी मासिक परीक्षा की शुरुआत हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ मासिक परीक्षा से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा था सभी प्रश्न का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।